सही आशा की रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल वसलम की नमाज़ की कैफियत बयान की जा रही है जैसे गुजरात के किसी एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल की नमाज़ की मुकम्मल कैफियत नहीं बयान की गई है बल्कि मुख्तफ़ अदीसों को जमा करने के बाद एल ने आप की नमाज़ की कैफियत ज़िक्र किया है कि किस तरह से आपकी नमाज़ है

الحمد لله رب العالمين وكان إذا رفع لم, لم يشفق رأسه ولم يصوره ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان 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 يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى فكان ينهى عن قبه الشيطان وينهى ان يفترش يفترش الرجل ذراعيه ذراعيه افتراش السبع سب سبع وكان يقيم الصلاه بالتسليم اخرجه مسلم وله عله अल्मदिल्ला रबी वसलाम रसूल व वनआश रजी अल्लाह सैद आयशा रज फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल यजला बि तकबीर वल क्रा यतलात बि तकबीर कि अल्लाह के रसूल नमाज की अफ्ताह नमाज को शुरू करते थे तकबीर के ज़रिए यहाँ तकबीर समा तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कह कर के और ये नमाज का रुकन है नमाज में जब आदमी दाखिल होता है तो सबसे पहले अल्लाह अकबर कहता है इस लफ्स के अलावा दूसरा कोई लफ्स काय मुकाम नहीं हो सकता अल्लाह अकबर जैसे कि बाज़ रवायत में साफ लफ्ज़ भी आया है कि आप अल्लाह अकबर कहते थे इसकी जगह पर दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है अगर अगरचे बाज़ फकह ने कहा है कि अल्लाह आजीम कहना जायज़ है लेकिन ये सही नहीं है तकबीर तहरीमा का दूसरा नाम है तकबीर अफ्ताह तकबीर तकबीर अफ्ताह और दूसरा जो आपने कहा जजाक लौखरा तकबीर उला क्या है तकबीर उला जजाक लौखरा तो ये नमाज में सबसे पहला काम है कि हम जब नमाज के अंदर खड़े हों तकबीर तहरीमा कहें और ये नमाज का रुकन है इसके बगैर नमाज शुरू नहीं होती तकबीर तहरीमा कहने की वजह क्या है क्योंकि जब आदमी नमाज के अंदर दाखिल होता है तो उस पर सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं जो चीज़ उसके लिए जाए सी खाना पीना बात करना सारी चीज़ें उस पर हराम हो गई वल वलक्रात बिलहमद ला वल किरात, किरात यहाँ किरात पर ज़बर है क्योंकि ये सलात पर यह सतला तो ऐसे ही किरात की शुरुआत करते थे बिलहमद रबालमीन रब्बिल आलमीन के ज़रिए से यहाँ पर जो कहा गया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कराज़ की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से करते पहली बात बिलहमद है क्या है आप लोग ना हो पड़े हैं कि बार फ़ज़र है बिलहमद होना चाहिए लेकिन ये कुरान में क्या है रब्बिल आलमीन तो इसका नाम है अलराब और हकाया अलराबोकायानी अल जैसे वारद वैसे ही जिक्र करना कुरानद है तो वैसे ही कहेंगे तो कहेंगे बिलहमदो यहाँ बार फर अलहमद मजरूर तकदीरन यानी या हम दो मजरूर है मन आ मंजूर अलहिकाया के कसरा के जायर होने से रोका किसने अराबालहिकाया हकायत यानी जैसे है वैसे ही बयान करना अल्हमदल रबालमीन ये सूरह फातह का एक नाम है सूरह फातह उमर किताब तो इसी तरह से सूरह फातह को अलहमदिल्ला भी कहा जाता है यहाँ पर एक सवाल है कि अल्लाह के रसूल अलह सलात वसलम नमाज की इब्तदा अलहदल रबालमीन के ज़रिए करते हैं तो इससे ये मालूम हुआ यानी अगर मुराद सूरह फातह की शुरुआत है कि यहाँ से पढ़ते तो बिस्मिल्लाह नहीं है और नहीं तावुज़ है नहीं इस है दुआ इस्ता भी नहीं है तो बहरहाल हाल दुआ भी सुन्नत है और ताउज़ भी सुन्नत है बाद क्या वाजिब है कुरान में है फैदा करातर शैतान शैतवान लेकिन वो सुन्नत पर महमूल है बाद उसको वाजिब भी कहते हैं कि नमाज़ में ताव़ बिल्लाह कहना ये वाजिब है इसी तरह से बिस्मिल्लाह भी सूरह फातिहा से पहले या और सूरत से पहले और शुरुफ फातह के बारे में खसूस अक्सरमा की यहाँ सुन्नत है कहना बेहतर है लेकिन वाजिब नहीं है सिवाय इमाम शाफी रहमोल्ला के यहाँ वो कहते हैं कि बिसमिल्ला सुरफा फातः की आयत है इससे पहले भी, भी मसाला गुजरा है सुरफ फातह की आयत है इसीलिए बिसमिल्ल् अगर आप सऊदी के अंदर देखेंगे तो वहाँ बसमिल्ला पर नंबर एक आयत दिया हुआ है सुरफ फातिया के लिए बस और सूरत में नंबर बिसमिल्ला पर नहीं है तो उससे बाद का जो कौल है कि बसमिल्ला सुरफा आते की आयत है तो सरफ़ आत्या जैसे कि बाद का ये कौल है और हम लोग भी इसी को मानते हैं एल एडी हिंदुस्तान के सरफात नमाज के अंदर रुकन है और सुरफात के अंदर बसमिल्ला मामाफ़े की यहाँ आयत है इसीलिए उसके बगैर नमाज़ नहीं होगी उसके पढ़े हुए लेकिन जमूर उलमा की यहाँ बसमिल्ला सरफातह की आयत नहीं है बल्कि मुस्तकिल आयत है उसको पढ़ेंगे अच्छा है पढ़ना चाहिए अफजल है दूसरा मसला ज़ोर से पढ़ेंगे या आस्ते से सिर यानी आस्ते से पढ़ना ज़्यादा बेहतर है जहरी नमाजों के अंदर भी सरी में तो सीरी पढ़ा जाएगा लेकिन जहरी के अंदर भी आस्ते पढ़ना ज़्यादा अफज़ल है अगर ये जहरी पढ़ना भी जायज़ है तो यह मुराद अल्लाह के रसूल रब्बिल आलमीन से कराद की शुरू करते मुराद सिर्फ फाफिया पढ़ते ये मुराद नहीं कि यही यानी तकबीर के बाद यही कहते बल्कि इससे पहले दुआ सिफ्ता है जैसे काब करते थे इसी तरह से ताव़ है जैसे कुरान में हुक्म है बिस्मिल्लाह ये तीन चीज़ें यानी गोया के सुरफ़ आतह से पहले चार चीज़ें हैं तकबीर तहरीमा जो रुकन है फिर दुआ सिफ्ता सेबाब है फिर ताव़ है फिर बिस्मिल्लाह है और उसके बाद सुरफा आतह है उसके बाद सूरफ आतह है अगर किसी शख्स ने सुरफा आतह के अलावा किसी और सूरत को पढ़ा जानते हुए तो उसमें उसकी नमाज बाद उल्मा की आ, सही नहीं होगी क्योंकि उसने उल्टा कर दिया जान बूझ कर अगर ऐसा क्या भूल के जैसे तो फिर क्या करेगा आदमी फिर शुरुआत पढ़ेगा और फिर उसके बाद दूसरी सुर पड़ेगा अगर चाहे लेकिन सुरफात्या पहले पड़ी जाएगी बाद में दूसरी शुरू पड़ी जाएगी वकान कालमय युश खसरा ऐसा हु और अल्लाह के रसूल जब रुकू करते यानी जब झुकते रुकू का माना झुकना यानी जब रुकू में जाते लम यूश के हु को ऊपर नहीं उठाते यानी सीधा रहता वलम यूसोबिब और नहीं नीचे झुकाते वलमस नहीं नीचा करते और नहीं ऊपर करते बल्कि पीठ के बराबर होता वाल लेकिन इसके दरमिया दरमियान होता ना ऊपर है ना नीचे है यानी बराबर होता लेकिन अगर कोई थोड़ा नीचे कर दिया थोड़ा ऊपर कर दिया तो इससे मांस बात नहीं होगी लेकिन जो सही तरीका है वो पीठ के बराबर रहना चाहिए और उसकी कैफियत उलमा ये बताते हैं कि आदमी के हाथ घुटनों के ऊपर जैसे खदिश में है कि अल्लाह के रसूल से पहले गुजरिया कि अपने घुटनों को अच्छी तरह से पकड़े हुए रहते हैं तो आदमी झुका हुआ रहे ऐसा न लगे खड़ा है बल्कि झुका हुआ है अब अगर उसमें कुछ कोत हो गई तो नमाज सही होगी लेकिन कैफियत का कुछ क्या है आ, कुछ खराबी हो सकती है कि अल्लाह आदमी की बिना पर लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका है कि आदमी पीठ के बराबर उसका सर रहे न न नीचा न ऊपर रहे वक़ान दफ़ा मेरा रुकू लमयुदहता और जब अल्लाह के रसूल अल्लात वसलम रुकू से उठते तो सजदा नहीं करते यहाँ तक बराबर खड़े हो जाते सीधे खड़े हो जाते यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप ने रुकू के अंदर क्या जिक्र किया उसका जिक्र नहीं है रुकू के अंदर क्या पढ़ा तो दूसरे हदीसों में है तो इसीलिए किसी एक हदीस से दलील पकड़ करके कि यहाँ पर आप ने रुकू के बाद रफल इधर भी नहीं किया है उसका भी जिक्र नहीं है तो कुछ लोगों ने कहा कि इसके अंदर जिक्र नहीं है इसीलिए रफल इधन जायज़ नहीं है लेकिन दूसरी हदीसों के अंदर यहाँ तो वो भी जिक्र नहीं है बिस्मिल्लाह का भी जिक्र नहीं है साउ का भी जिक्र नहीं है इसका का भी जिक्र नहीं है इसी तरह से रुकू के बाद की दुआ भी जिक्र नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ को क्यों आप पकड़े हुए हैं कि यहाँ पर रफल इधन नहीं है इसीलिए रफल इधन जायज़ नहीं है दूसरे हदीसों को देखें जिस तरह से दूसरे मसाइल हदीस के अंदर इसी तरह दीगर हदीसों के अंदर जिक्र नहीं किया गया बल्कि दूसरी सही साबित हदीसों से मालूम है तो उस पर अमल किया जाएगा तो कोई भी मसला कुल्ली तौर पर किसी एक हदीसे में नहीं मिलता है लाइक कुछ मसाइल हो सकते हैं लेकिन अक्सर जो इबादत हैं उसके कुल्ली तौर पर जो मसाइल हैं वो किसी एक हदीस से आपको नहीं मिलेंगे चाहे हज के मसाइल हों चाहे रमज़ान के मसाइल हों चाहे नमाज के हों या दीगर इबादात के इसीलिए दूसरी अदीसों को मिला करके इकट्ठा करके आप आपलम की नमाज़ की कैफियत या दूसरी इबादत की कैफियत बयान की जाएगी वदा रफ़ आम यस्ुदहता यसव्य क़ाय तो आप सल्लम जब रुकू से उठते तो बराबर खड़े हो जैसे सीधे ये अतदाल या तुमानी ना सब उसमें दाखिल है वहदा रफ़ आम यस्ुदहत्ता यसव्या जालसा और जब अल्लाह के रसूल सलातम सजदे उला से उठते तो नहीं सजदा करते उसके बाद क्या है जो कैफियत आप सजदे में गए उसको नहीं भया क्या गया अब दूसरे सजदे की तरफ आ गए कि अल्लाह के रसूल जब उठते यानी पहले सजदे से नमय यद दूसरा सजदा नहीं करते हत्ता यस्तविया जालेसा यहाँ तक के बराबर बैठ जाते हैं इतमी के साथ इससे पहले गुजरा कि कुछ लोग थोड़ा या कुछ अक्सर औरतें थोड़ा और लोग भी कुछ ऐसा करते हैं थोड़ा सा उठते और फिर सजदे में चले जाते हैं नहीं बराबर बैठना है यहाँ तक कि हर आदमी अपनी जगह पर आ जाए सीधे बैठ जाए और बाद में सजदे में जाए ताकि इत्मीनान और तमानीना हासिल हो जाए वक़ानक़ूल फीकुल रकाता तहैत और अल्लाह के रसूल हर दो के दरमियन जो तशहद होता जिसमें बैठते तो आप अ तहै कहते तहिय मना सलाम भेजना सलाम कहना तोहफा भी मना आता है तो यहाँ पर तहियत मना मरूफ अल्फाज क्या है अतहैयात वात ये बात हो जिबिन अब्बास क्या अहैयात है मसूद का भी मुख्तलिफ अल्फाज लेकिन मकसूद सबका एक ही है तहियात सलाइबा जो आखिर तक दुआ है ये अल्लाह के सर्दो अरक़ात में कहते हैं लेकिन दरुद इब्राहिम क्या कहते हैं हर तशद यानी अगर दो तशद नमाज है जैसे मगरिब है या जहर असर मगरब जहर है ऐशा है इसी तरह से असर की नमाज है तो इनमें दो तशद हैं तो क्या हर पहले तशद के अंदर आप सला तहिया कहते हैं और दरुद कहते हैं या नहीं कहते इसमें उलमा का अखिलाफ है उसमें उलमा का अख्तिलाफ है अक्सर कि यहाँ यह है कि सिर्फ अतियात तो पढ़ा जाएगा और जो आखिरी तशद है चाहे दो रकत वाली है जैसे फजर नमाज है या चार रकत वाली या तीन रकत नमाज तो उसमें आखिरी में दरुद इब्राहिम पढ़ी जाएगी लेकिन पहले तशद में सिर्फ़ अतियात पर इतफ़ा किया जाएगा बाद उसमें दूरुद इब्राहिम भी पढ़ी जाएगी वकान या फ्रेश रजरा वो या नसीबालय रहा और अल्लाह कसूल अपना बायां पैर उसको बेचा देते फराश यानी बिस्तर बना देते और अब आप उस पर बैठते विबुल यमना और दाएं पैर को खड़ा करते यानि एक पैर को ऐसे रखते उस पर बैठते और एक को दाएं पैर को खड़ा कर देते थे गुलाया के एक पैर पर जो है उस पर बैठे हुए हैं अल्लाह रसूल और दायां खड़ा हुआ है जैसे कि हम लोग बैठते हैं अब यहाँ पर सईद आयशा रजी अल्लाह ने एक ही कैफिय बयान की है कि अल्लाह के रसूल तशद में कैसे बैठते थे वो ये है कि दायना पैर खड़ा रहता और बायां पैर बिछा हुआ रहता और आप उस पर बैठते हैं इफ्तराज इसको कहते हैं अब वो हमें शायदी की रवायत में तवर्रुक का जिक्र है कि जब आप आखिरी तशद में होते तो अल्लाह के रसूल किसको बाएं पैर को निकाल देते हैं दाएं तरफ और दाएं ने पैर को खड़ा करते हैं और आप ज़मीन पर बैठ जाते हैं आप ज़मीन पर यानि आदमी तशद में आखिरी तशद में वहाँ ज़मीन पर बैठे बैठने की जगह नशा या मक़द आदमी की ज़मीन पर रहे न कि पैर पर रहे क्योंकि इससे पहले इसमें जो जिक्र है वो ये कि आदमी दाने बाएं पैर पर बैठे और उसमें दो तशद का जिक्र है कि एक पर आप पैर पर बैठते पहले तशद में और दूसरे में आप क्या है ज़मीन पर बैठते तो दोनों तशद में थोड़ा फ़र्क है कि पहले तशद में पैर पर बैठेंगे दूसरे में तवरु करेंगे यानी अपना जिसम का एक हिस्सा ज़मीन पर रखेंगे मक्का ज़मीन पर रखेंगे ये हदीस में क्या जिक्र है अब अहल फिक्र यहाँ हदीस इस्ते बात करते जैसे ये सदी से मुतलकना है तो कहा कि दोनों तशद में हम पैर पर बैठेंगे दोनों तशद में पैर पर बैठेंगे बाद उल्माना के दोनों तशद के अंदर तवर करेंगे दोनों में यानी मसला फ़िकही और इतजादी और इसमें वजूब का या हुकुम जिक्र नहीं है कैफियत बयान की गई है तो आदमी जिसमे पर भी बैठे लेकिन बाजार यही मालूम होता है कि जिसमें तशद दो तशद उसमें आखिरी में तवर करें और जिसमें दौर का दे उसमें सिर्फ पैर पर बैठे यानी जैसे शाबान भी इस राय की तरफ गए बहरहाल लेकिन मसाला इसमें है इसमें सख्ती का मसला नहीं है यानी तीनों कैफियत कैफियतें जायज़ हैं और बाद रिवायतों में बिन उमर के बारे में शायद आता है कि वो तरब्ब करते यानी पालकी मार के पाल जानते हैं ना मार के मार के बैठते हैं तो वोजूर की बिना आलम परूर की बिना पर यानी बीमार है या आदमी नहीं बैठ पाता है जिसम बारी है तो अगर सुन्नत के मुआफिक बैठ गए अलहमदिल्ला नहीं बैठ पाए तो जो बेहतर तरीका बैठने का उस तरह बैठे जो बेहतर तरीका उस तरह से बैठे वक़ान यह नहाबत शैतान है और अल्लाह गसल शैतान की चौकरी से यानी शैतान के बैठने की तरह आप मना करते थे उकब की तफसीर क्या है बाद रिवायत में क़ा और उसका माना ये बयान करते हैं कि आदमी दोनों पैर को खड़ा कर दे दाएं और बाएं को और अपनी मक्का जमीन पर रखें और हाथ भी ज़मीन पर रहे ऐसे हाथ भी ज़मीन पर रहे यानी आदमी की शक्ल सूरत एकदम बदल जाती है जानवरों की तरह हो जाती है तो आपने इसे मना फरमाया आपने इसे मना फरमाया है यानी हाथ है ज़मीन पर रखे हुए हैं किस हालत में तशद की हालत में और पैर खड़े हैं और आदमी किस पर जमीन पर बैठा है आदमी ज़मीन पर बैठा है तो ये एक जानवरों की सिफत यानी कुत्ते की सिफत जो हदीस में मना किया गया उस तरह सिफत हो गए जैसे मना किया गया है और अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में कहते हैं कि सुन्नत है तो वो दूसरा इकाए एकाक़ की दो शक्लें एक ये है कि आदमी अपना अपनी मक्का ज़मीन पर रखे दोनों पैर को खड़ा कर दे और हाथ को ज़मीन पर रखे बाद में हाथों का जिक्र है बाद में सिर्फ पैरों को खड़ा करने का ज़िक्र है और अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कालेक्का में सुन्नत जब बाज़ रुकने उन पर एतराज़ किया का सुन्नत है तो उसे मुराद दोनों पैरों की एड़ियों पर बैठना दोनों पैर की एड़ियों पर बैठना और जो ममनू है उसमें एड़ियों पर बैठना नहीं है उसमें एड़ियों को अलग कर दिया और आदमी किस पर बैठा है अपनी मक्क़ पर बैठा है यानी गोया के दोनों पैर के बीच में बैठा है और जो अब अबलाम अब्बास की जो का का कॉल है वो एड़ियों के ऊपर बैठना है आदमी जैसे दाएँ और बाएँ को खड़ा कर दिया और आदमी उनके ऊपर बैठ गया जैसे कि कभी कभार आदमी सजदे की पहले सदे में दूसरे में करता है जब पहले कत होती है या तीसरे कद होती है तो ये अबलाम अब्बास कहते हैं कि सुन लेते हैं बाद इसको भी जायज़ नहीं कहते है। कहते हैं कि ये मनसूख हो चुका है ये हुकूम मनसूख हो चुका है लेकिन आलम बहरहाल इसमें गुंजाइश है जो अबलाम अब्बास ने काका का इसमें गुंजाइश है जो ममनू है मुतफुकू ना है वो क्या है का जिसमें आदमी एड़ियों को खड़ा कर दे और सिर मक्का पर बैठे और हाथ को ज़मीन पर रख दे तो ये चीज़ ममनू है वहा जो लोग आफरा शब हो और अल्ला से मना करते थे कि आदमी अपने बाजू को फैला दे दरिंदों के फैलाने की तरह और बाद कहते मुराद कुत्ता है बहरहाल जो भी जानवर हो जानवर अपना बाजू ऐसे फैला देते हैं जब बैठते हैं अगर आप देखेंगे गौर करेंगे और अपने शुरिन पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है क्योंकि क्या कोई कोई नई शक्ल खड़ी हुई है तो इससे आपने मना फरमाया है कि आदमी का बाजू बिछा हुआ हो और आदमी अपनी सुरीन पर बैठा हुआ हो मक्क़ में बैठा हुआ हो तो वहाँ एक आदमी जानवर की शक्ल इंसान बन जाती है तो आपने उसे मना फरमाया है वहाँ यह अफसरा शराज ज़रा अफसरा शब हो और आप मना करते कि आदमी अपने बाजू को फैलाए जानवरों के फैलाने की तरह ये सजदे में भी कैफियत हो सकती है कि आदमी सजदे में ये बाँ पूरी फैला दे जमीन पर रख दे तो मना फरमाया आपने फराना कि इर्फ मेरे फ़क अपनी कोहनी को उठाओ तो सिर्फ सजदे में हाथ हथेली रहेगी हथेली रहेगी और हाथ ऊपर उठा रहेगा तो अगर आ, हमने जमीन पर रख दिया तो वो गोया के जानवर जिस तरह से अपने बाजू को बिछा कर बैठते हैं वैसे हम बैठ रहे हैं इससे इस तरह से मना किया गया है व्यन जरा चुसब और आपने दरिंदों के बैठने की तरह अपने बाजू को फैलाने से मना फरमाया है इसी तरह और हदीसों के अंदर भी एक इंसान को जानवरों के मुशावे से मना किया गया है और जब अल्लाह रबालमी ने जालिम और मुनकर कौमों को बुरा भला कहा या उनकी मसहबत बयान की तो कहा उलाए के कला नाम बल हदल अलाए के कला नाम क्यों जानवरों की तरह तो एक इंसान को जानवरों के मुशाब से मना किया गया है इसी तरह एक मुसलमान काफरों की मुशाब से मना किया गया है वकान सलात तब तस्लीम और अल्लाह के केसल नमाज को सलाम के ज़रिए ख़त्म करते करते थे नमाज की इब्तः तकबीर है तहरीम से होगी और अख्ताम सलाम से होगा और नमाज के अंदर दो सलाम है पहला सलाम एले 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 की यहाँ उसमें इख्तलाफ है कि आया वो वाजिब है या रुकन है या सुन्नत है दूसरा जो सलाम है वो रुकन है अक्सरमा के यहाँ बाद के यहाँ वो वाजिब है जैसे अनाफ़ की यहाँ आदमी बगैर सलाम के भी नमाजें निकल सकता है लेकिन ये गौरबादुरान सलात सलाद तस्लीम और आप अपनी नमाज सलाम के जरिए ख़त्म कर दे सलाम से मुराद यहाँ पर अलीफलाम अगर अहद क्या है तो मरा दोनों सलाम या मुराद एक ही सलाम बहर एक सलाम तो रुकन इतफाक़ है और दोनों आ, सलाम के बारे में इतनाफ है जैसे गुजरा अखरज मुसलिमन वाला इस हदीस के माँ मुस्लिम ने रिवायत किया और इस हदीस इल्लत है इस हदीस इल्लत है इल्लत यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि आदमी इल्म हदीस पढ़े वरना पढ़ेगा सही मुस्लिम का मताला करेगा पढ़ेगा कि मैं हदीस पढ़ रहा हूँ हदीस नहीं पढ़ा है तो ये लफ्स देखेगा या अबिन हजर रमोल्ला की किताब यहाँ सही मुस्लिम तो इसका यफ़ नहीं है लेकिन अबिन हजर रहमल्ला ने जिक्र किया है बुल्क मराम के अंदर आदमी पढ़ेगा और देखा कि वलूल्ला और सदीश की क्यात है और इबिन हज़र रहमो ने कुछ भी इसको वाजे नहीं किया तो यहाँ हदीस या मुसर हदीस की अहमियत मालूम होती है कि इल्लत से मुराद क्या है ये रफ्स कह करके मुराद क्या है कि इस हदीस के अंदर पोशीदा ऐब है पोशीदा ऐब है बाजार हदीस हमें सही नज़र आती है लेकिन यह हदीस इस इसके अंदर इनकदा है इसके अंदर क्या इनकता है लेकिन इस हदीस के शवाद हैं जिसके बराबर ओलमा ने सदीस को सही करा दिया है वलुत इल्लत क्या है कि इस हदीस के अंदर इस हदीस की सनत में जो सईद आशा से रावी रिवायत करने वाला है वो रावी अबुल जौजा अबुल जिसका नाम है औस बिन अब्दुल्ला औस बिन अब्दुल्ला औस बिन अब्दुल्ला इमाम बुखारी इस सनत के बारे में कहते हैं फिर इसनादी नजर इस हदीस की सनत का नजर है यानी यहां पर औस बिन अब्दुल्ला जौजा ने सईद आशा से नहीं सुना है सीधा आशा से नहीं सुना है सही दाशा से नहीं सुना है तो हदीज क्या हो गई इस दौर पर मुन हो गई बहर इसके अंदर एक तो ये है दूसरी इलत इबादा ने बयान की है आगे वाली दूसरा कोई पढ़े रिफान भाई पढ़े या और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े इंशाल्लाह

जबकि नमाज़ की इफ्तिता करते नमाज़ की इफ्तिता, यानि नमाज को शुरू करते हैं यानी तकबीर तहरीमा के वक्त तकबीर तहरीमा के वक्त नमाज़ के अंदर हाथ उठाने का क्या हुक्म है पहला मसला तकबीर तहरीमा के वक्त दूसरी जगहों पर अहले इल्म का ये फतवा है कि हाथ उठाना नमाज के अंदर सुन्नत है पहली मरतबा हाथ को उठाना सबके यहाँ मशरू जायज़ है बाद उल्मा कहते हैं कि ये वाजिब है हाथ उठाना पहली तकबीर का बाद की यहाँ सुन्नत है जमूर उलमा की यहाँ और बाद उसको रुकन भी कहते हैं आलम बाज़ार मालूम होता है कि यहाँ पर जो जमूर का कौल है वो ज़्यादा कभी है अगरचे वजूब का कौल भी इतना कमज़ोर नहीं है और जो उल्मा कहते हैं कि वाजिब नहीं है उनकी दलील क्या है कि अल्लाह के रसूल जिस आदमी ने नमाज के अंदर भूल जो की थी आपने उसको सिखाया तो उसमें आपने हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया लेकिन जो कहते हैं कि वाजिब है तो ये कहते हैं कि वहाँ पर और चीज़ों का भी जिक्र नहीं है और चीज़ों का भी जिक्र नहीं जो नमाज के अंदर वाजिब है तो किसी चीज़ का जिक्र न करना इस बात की दिल नहीं कि वो वाजिब नहीं है क्योंकि हो सकता है उस साबिक न रफलीत अच्छी तरह से क्या होगा इसीलिए आपने उस चीज़ को उस चीज़ का हुक्म नहीं दिया वैजा कब बर रुकू हाँ पहले इसी तरह से आपने हाथ उठाया कंधे के बराबर हाथ को कहाँ कहाँ तक तो उठाया जाएगा इस सिलसिले में हदीस में है कि आप सलम कान की लौ तक एक है लव एक है लू मालेगाव में जब आ, तालीम थी तो वहाँ पर एक से आ, सर अफजल डॉक्टर डा, भी थे तो वो कभी कभार वो मालेगाँव के थे और उर्दू में बहुत माहिर थे और बड़ी उम्र के हो गए थे तकरीबन पचास साठ साल के थे उसके ऊपर होंगे उस वक्त भी वो क्या है वो अरबी सीखने को बहुत वो चाहते थे और सीखते थे किताब यानी कि साठ साठ सत्तर साल के थे इसमें हमारे लिए इबरा है कि हम अभी भी सीखें उस वक्त भी क्या है काफी काम लेकर के वो एह एल से सीखा सीखा करते थे तो वो कभी कभी कहते थे कि आज के ज़माने में या उस जमाने में कहते थे कि लोगों को उर्दू नहीं आती और क्या है लव और लू में लव और लू में फ़र्क नहीं करवाते क्या लव और लू में फ़र्क नहीं कर पाते तो कभी कभी, कभी यानी या शक होता है क्या लव है या लू है क्या है लव है या लू है तो बहरहाल लव यहाँ पर क्या है लव सही लव और लू जो आंधी वगैरह चलती है वो लू है लू यानी जो आंधी वगैरह चलती है धूप में वगैरह में वो लू है और ये लव है इख्तलाफ है उसमें क्या है एक है जमूर उ की सुनते है। तो एक है कि कान की लौ तक उठाएंगे दूसरे में है कि आपने या इसमें कंधे तक उठाया बाद में फुरुआ है फुरुआ उसने भी हाथ के कान के आला से तक तो वल्ला जो हाथ रहे यानी कुछ कान के लौ तक उठा तब भी या कंधे तक उठाए तब भी एक उलमा कहते हैं कि ऐसा उठे कान की लौ तक भी आ जाए और कंधे तक भी आ जाए ऐसा कह तो कंधा भी आ गया और कान की कनपट्टी भी आ गई वो भी आ गई तो दोनों चीज़ें हो गई बहरहाल इसमें दोनों चीज़ें इसमें कुछ है। बाद उल्मा या बाज़ल यादी बाद लोग क्या कहते हैं जब हाथ उठाते तो हा, क्या है लगा दे हाथ लगा दे दुण ऐसे अंगूठा तो ये जायज़ नहीं है उसमें हिदाम के बहे या हजुमन के है या कानों के बराबर तो बराबर है बस नहीं है कि आप कान से आंख को मिलाते थे लगा ऐसा नहीं है बल्कि उसके बराबर तो अगर हज व कान के अंदर भी जिक्र है कि आप कानों के बारे उठाते तो कंदूक के बाद तो, क... तो कंदूक को क्यों नहीं लगाते हैं जो कानों को क्या कान का में जो जिक्र है वो भी है कि आप कान के बराबर उठाते हैं तो का... कान को छूते हैं तो कंधे को भी छू कंधे को हम नहीं छू पाएंगे क्या है भाई उसमें भी वही जिक्र है कि कंधों के बराबर उठाते हैं और कान के बारे में उठते तो कान को छूते हैं और कंधे को नहीं छूते और छू भी नहीं पाएंगे ऐसे बहुत मुश्किल से लेकिन कान को क्या आसानी ऐसे कर देंगे बहरहाल तो छूने का कहीं भी हदीस में जान तक के अहले अहिल ने बयान का नकल किया हदीसों की शुरुआत में क्योंकि हदीस अलग से बहुत ज्यादा है पूरी पढ़ना हमारे पास की बात नहीं है लेकिन जो उलमा पढ़े हैं इसको जिन्होंने मुताला किया है जिन्होंने तहकीक की है तो उन्होंने कहा कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है तो ये एक चीज हुई क्या है इसी तरह इसी तरह से कब उठाएंगे हाथ को कब उठाएंगे तकबीर के साथ उठाएंगे या तकबीर के बाद उठाएंगे या साथ में उठाएंगे या पहले उठाएंगे तीन चीजें पहले या तकबीर कहने के, के बाद उठाएंगे या साथ में तकबीर तहरीमा कहेंगे और साथ में भी उठाएंगे तो तीनों चीजों का जिक्र क्या है तीनों चीजों का जिक्र है यानी यह है कि आप सलम सलम तकबीर कहते हैं और हाथ को उठाते या आपने तकबीर किया और वरफाई है और अपने हाथ को उठाया बाद में यानी मतलब फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ऐसी भी अदी है और उन्होंने अल्फाज भी जिक्र किए कि आप आपल्ल ने तकबीर कही और बाद में हाथ उठाया तो बाद में भी जिक्र है इब्न हजर कहते हैं कि बाद का जिक्र मौजूद नहीं है लेकिन बहरहाल एह ने इस कि बाद में भी जिक्र है यानी तकबीर तहना से पहले साथ में भी और बाद में भी उठा सकते हैं वह कबरा रुकू और जब आप तकबीर कहते हैं रुकू के लिए यानी जब रुकू में जाते तब भी हाथ को उठाते हैं हाथ को उठाने उठाने का जिक्र तकबीर तहरीमा के अंदर इतफाक है और तीन जगहों पर इसके अलावा यानी या साथ में वहां पर भी अक्सर उलमा किया जायज है जैसे रुकू के जाते वक्त रुकू से उठते वक्त यह भी क्या साबित सही साबित है इसी तरह से एक हदीस में जब दौर अकात से आप उठते दौर अकात के यानी तशदवल में बैठे हैं और आप उठते तब भी हाथ को उठा तब भी हाथ को उठाते खड़े होकर के इसमें जमहूर की यहाँ जा, कॉल जायज़ नहीं है लेकिन बाद बादन कहते हैं कि सही साबित है और यह यदी साबित है सही है कि जब आप इजाक़ा में सिंतने रफ होता है जब आप दौड़कात से उठते तो हाथ को उठाते तो ये अल्फाज भी सही साबित हैं तो दौर अकात तो उठने के बाद ये इसमें जमूर का कॉल के सही नहीं है लेकिन सही है कि ये सही साबित है तो चार जगह हुई क्या है चार जगह हुई पांचवी जगह कि जब आप सजदे से उठते क्या है शेख इसके कायल है और बाद रवायत में लेकिन उल्मा कहते हैं कि सजदे के उठते हाथ से तो उठाना रफुल्दीन करना ये साबित नहीं है ये शाद है और अब्दालामर कहते हैं वक़ान अ फिरजाल के फिर सजूद है आप सजदे में ऐसा नहीं करते थे लेकिन बाद उल्मा कहते हैं कि ये जायज़ यानी इसमें इखिलाफ है लेकिन सही है कि सही नहीं है और जो वारद है वो शाद है वो क्या है, है? सजदे से उठते यानी सदे से उठे पहले सदे से और फिर ऐसे क्या और एक अभी सही मसले में क्या जाबर कहवादने जब लोगों ने कहते हैं जाबर के हम सलाम करते थे हाथों के ज़रिए यह सही मसल मौजूद है तो आपने फिर तुम्हें क्या हो गया है, है। शर्कशे के हालत में और उसी से अनाफ नहीं ये सजा क्या है कि रफलैन मनसूख हो गया लेकिन वो सजदे में जब हाथ उठाते तो आपने मना फरमाया है तो वो कैफी ममनू है तो वह बहरहाल मसले में इतराफ है यानी अमानत के तौर पर लेकिन सही है कि वो शाद है तो वो तो खड़े होकर नहीं ये सही नहीं है ये सही नहीं बल्कि जब हम खड़े होंगे तब हाथ उठाएंगे तब क्या है हाथ उठाएंगे हाँ तो वही खा, बैठे बैठे कर दे। अब उसमें कि जब अब क्या हुआ फिकी एत से जब आप उठते वहीं जब आप उठना शुरू किए तब लेकिन उसका माना बयान करते हैं कि जब आप खड़े हो जाते तब क्या है हाथ तो ये सही कैफियत है क्योंकि बैठने की हालत में क्या है मना क्या गया है क्या आदमी है बहरहाल यानी अगर कोई कर रहा है इस सियासी तौर पर तो हम उसकी नमाज की बात नहीं कर सकते हैं लेकिन बाजार अक्सर इसका माना यह बयान क्या है वह एक मिनट वह रफ और आंसू में रुकू और जब अपना सर रुकू से उठाते जाएं जब रुकू से उठते तब भी क्या है रफलीदन करते मुतफक नए जी जज़ाक अल्लाह कर दूसरा यहाँ पर मसला जो बयान के शेख ने कि रुकू के बाद जब हम रुकू के लिए यानी रुकू से उठते हैं और खड़े होते हैं रब्बना और अगला हम कहते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करें हाथ तो बांधे रखें या छोड़ दें तो इस सिलसिले में कोई सरी और वाज हदीस नहीं है क्या है सरी और वाज नहीं है इस्तहात है क्या है इस्तहात है यानी जो कहते हैं बांधने का वो भी कहते हैं इसत्याद इसमें यानी इस्तेमाल की से लेकिन इस्तिया है वाज इसमें कोई कैफियत किसी ने बयान नहीं की है तो हाथ बांधेंगे न बांधेंगे दोनों इत्यादी चीज़ है बाद उसको कहते हैं कि बांधना चाहिए क्योंकि जब आप खड़े रहते तो हाथ बांधे रखते हैं बाज करते वो असल में क्याम असली क्या नहीं आर्जी है एक रुख से दूसरा रुख क्या मुंतकिल होना है तो बहरहाल यानी थी मुख्त ही दोनों के इस लेकिन यही क्या इजादी है इस्तेबाद है एक वाजह और सही हदीस नहीं है कि आप जब रुकू के बाद उठते तो हाथ बांधते ऐसा नहीं है बल्कि वो कहते हैं कि आपकी हरियाली अपनी जगह पर हो जाती या इस तरह इसके इस्तेबादात से क्या है इसल क्या है तो आलम अगर कोई किसी कॉल को इख्तियार है तो हम उस पर नकली नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इत्यादी चीज है और फिर हदीस अबी हुमैद इंद अबी दाऊद यानी अबू हुमैद की जो रिवायत है उसमें और भी चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर जो मैले इससे शायद उसको इबन हजार के यरफ यदय हता युहा बेमा मन कि भाई सुम युकबिर क्या आप अपना हाथ उठाते यहाँ तक के कंधे के बराबर हो जाते हिजा युहा हिजा जू, जूते को हिजा के दर्बी में क्योंकि दोनों बराबर तो एक छोटा एक बड़ा होता है कि अल्लाह अल्लाह ने किसी को आजमाश के तौर पर छोटा बड़ा पड़ता वो अलग चीज़ है लेकिन अक्सर मखलूक को अल्लाह ने या इंसानों को दोनों पैर पर बराबर किए हैं तो इसीलिए हिजा को हिजा देखे हुए दोनों बराबर होते हैं सुमयु कब आओ फिर आप तकबीर कहते हैं यहां पर क्या है कि पहले आप हाथ को उठाते बाद में तकबीर तहरीमा कहते हैं या तकबीर कहते बराबर इसीलिए मैंने हजार जूते इस मिले जूते को अरबी में हजा कहते हैं दोनों बराबर था तक आप दोनों को बराबर करते के और फिर तकबीर कहते वाली मुस्लिम और सही मुस्लिम के अंदर में की रिवायत है जिसमें और भी चीजें हैं अब उम्र की हदीस की तरह लेकिन कॉल लेकिन उसमें यह है कि हता युहाद हद बेहमा फुरुआ क्या आप अपने कानों के अतराफ एक वो के कि अफरू कानों के जो अतराफ होंगे उसको फ्रू कहेंगे एक वह थे श्यामत तो वजन है श्याम ये लव और अतराफ वल्ला नबी सब चीज़ें करीब करीब है सब के कानों के अतराफ या कानों की कनपट्टी या लव तक आप हाथ को उठा दे तो बेहाल बाद तरजीह तरजीदी कि ये बेहतर ये बेहतर लेकिन सबके सब, सब आदि से क्या है सही साबित है या अगर दोनों का आदमी जमा करे कि कंधे के बराबर भी आ जाए और इसके बारा भी आ जाए तो भी बेहतर जमा है ऐसे एक हदीस भी है अल्लाह उसकी क्या सेहत है उसमें यह है अबू की रिवायत है मन किब ही यहाँ तक कि आपका हाथ कांधों के बराबर था वहा बेबह उधोन और अपने अंगूठे के जरिए कान बराबर यानी गोया के यानी कान अंगूठे कान के बराबर होते और आपका हाथ कंधे के बराबर होता है यानी दोनों को जो है जमा हो गया क्या है दोनों जमा हो गए कंधा और कान आखिरी यादि से पढ़ लेंगे काफी इन जी काफी है अजमे उसमें मसला क्या है सीने का मसला है तो मैं क्या उसमें थोड़ा सीने सीने पर हाथ रखने का जिक्र है तो उसको अगर दूसरे दश में एक हाँ हा, तो सीना फिर से नाफ के नीचे ऊपर सारी चीजें तो मैं क्या उसमें अलग दर्श रहे तो अच्छा रहे इंशाल्लाह ज्यादा कला करना हां बाद में जो सब वो आ, का जाना एक्का जो मैं जानता हूं क्या है एक्का लोग हैं हां और भी चीजों के बारे में कहा होगा तो लेकिन नहीं नहीं ये कि वो नहीं नहीं उसको नहीं वो एक हाँ तो लोगों ने कहा कि ये तो पैर के साथ ज्यादा दी है यानी पैर के साथ सख्ती है और जफा है तो कहा कि ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म सीखने सिखाए और उस पर अमल करने का